आज हम पढ़ेंगे नायलॉन 6-6। नायलॉन 6-6 जिसे क्या है, पॉलीमर है। इसका मोनोमर क्या होता है? इसका मोनोमर है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन। क्या है मोनोमर? एडिपिक एसिड। उसका फॉर्मूला दिया है CH2 और COOH, मतलब ये किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। COOH CH2 फोर टाइम्स, तो ये क्या है एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। और हेक्सामेथिलीन डायमाइन NH2, मतलब दो अमाइन है डायमाइन और हेक्सामेथिलीन, इसलिए CH2 सिक्स टाइम। तो ये क्या, इसके मोनोमर है। नायलॉन 6-6 के मोनोमर क्या क्या है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन, तो ये याद रहना चाहिए। अब अपना क्या मेन टॉपिक्स क्या है, पॉलीमराइजेशन करना है। किसका? नायलॉन 6-6 का पॉलीमराइजेशन, या तो प्रिपरेशन भी पूछ सकते हैं, पेपर में 3 मार्क्स के लिए आता है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ नायलॉन 6-6, मतलब पॉलीमर कैसे बनता है नायलॉन 6-6, तो उसके लिए मोनोमर चाहिए। मोनोमर क्या क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन। तो एडिपिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अपने को मालूम है क्या है, CH2 फोर टाइम्स, और आजू बाजू में क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, और इधर पर भी COOH। हेक्सामेथिलीन डायमाइन NH2 है ना, और CH2 सिक्स टाइम। तो ये क्या, हेक्सामेथिलीन डायमाइन अगर किसना एन टाइम्स में, मतलब मोनोमर पॉलीमर बना रहे तो बहुत ज़्यादा एन टाइम्स में लगता है। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पहला जो शुरुआत जो भी एक इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, नायलॉन का सॉल्ट। कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है ये, अपने को बस ये दोनों याद रखने का है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये स्टेप में बस ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NH3। तो अब यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो तो क्या आ जाएगा, ओ माइनस, ओ है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला टर्म CO, तो उसको C डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा CO। उसके बाद CH2 फोर टाइम्स, CH2 फोर टाइम्स, आगे क्या है COOH, तो इधर पर अपन क्या करें, C डबल बॉन्ड ओ करके लिखें, CO को ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ओ, दोनों एक ही रहेगा। तो इधर पर क्या लिखिए, C डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद आगे ओ यहाँ पर, और इधर पर हो गया रहा है। अब यहाँ पर इसका ऐड हो जाएगा, मतलब पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, मोनोमर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये पॉलीमर बनेगा। तो ये ओ है यहाँ पर ओ, ये रहा ओ, एन इधर पर, एन एच कितना है, 1, 2, 3, तो इधर लिख दिया NH3 और ये ओ, क्या हो गया NH2+1, ये 3 और ये ओ, NH3 ओ, एन के ऊपर प्लस चार्ज, ओ के ऊपर माइनस चार्ज, चार्ज क्रिएट हो जाता है ना, क्रिएट एक दूसरे से, मतलब रिएक्ट करते थे, ऐड होते थे। तो अब यहाँ आगे का सेम CH2 सिक्स टाइम, फिर आगे NH, और ये तो हाइड्रोजन पहले स्टेप में यहाँ पर जब आ गया था तो क्या आ जाएगा NH3। ये क्या है, सॉल्ट का क्रिएशन है, तो सॉल्ट फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं नायलॉन सॉल्ट। ये भी याद रहना चाहिए 1 मार्क्स के लाते हैं। अब आगे क्या होगा, जब इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, कितना वाटर, एन अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा वाटर रहेगा एन अमाउंट में, और कितना टेम्परेचर वगैरह रहेगा 553 केल्विन, और हाई प्रेशर में जब करेंगे रिएक्शन तब क्या मिलेगा अपने को, नायलॉन 6-6, ये रहेगा नायलॉन 6-6 का प्रिपरेशन। अभी आ कैसे रहे, अब इसमें अब क्या करने का, वाटर को निकालने का, तो वाटर रिमूव कर देने का। वाटर रिमूव कहाँ से हो जाएगा, एक तो यहाँ से हो जाएगा, ये H2, यहाँ से H3 है, मतलब इधर से H2 और ये O, ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद एक यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, इसका H2 और ये O, तो ये वाटर निकाल देंगे। अब ये वाटर चले गए, तो इधर क्या हो जाएगा, C यहाँ से चालू करेंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 फोर टाइम्स, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या बचा है, N है और H2O निकल गया, मतलब 2H चले गया और O चले गया, बचा क्या, N और H, तो इधर लिख दिया NH। आगे क्या है, CH2 सिक्स टाइम्स, और इधर पर NH3 था, तो इधर से 2 टाइम्स वाटर हाइड्रोजन निकाल दिए थे, निकल जाते हैं, तो क्या होता है फिर यहाँ पर N बचा क्या, H, और यहाँ पर चेन कंटिन्यू रहेगी ऐसे, आगे बहुत सारे पूरा ये कंटिन्यू रहेगा, पॉलीमर्स बन जाएगा नायलॉन 6-6। इसका यूजेस वगैरह क्या रहता है ना, नायलॉन का सबको मालूम ही है, सर्जिकल सूचर्स वगैरह में रहता है, और भी रोप्स वगैरह में, फैब्रिक्स में रहता है, ये सब उसके यूजेस है। सर्जिकल सूचर्स मतलब जैसे किसी को कट वगैरह गया है तो वाउंड भरने के लिए, तो उधर पर क्या आमतौर में क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं, टाका लगाए हैं, तो वो जो टाका रहता है उसको किससे लगाते हैं, ये नायलॉन के 6-6 से लगाते हैं।